जैसे कि थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा हम आज कहाँ की बात करने वाले हैं दोस्तों। आज यहाँ का पूरा अंदर का व्यू आपको दिखाने वाले हैं। और क्योंकि ये जो एरिया होता है ना, काफ़ी हाई रिस्क एरिया होता है, अगर आप यहाँ पे कभी जाने की सोच भी रहे ना तो मत सोचिएगा। अभी पूरा वीडियो मैं दिखाता हूँ क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ आपको देख कर यहाँ पर पता चल ही जाएगा। वहीं दोस्तों इसके मैं कई पार्ट आपके सामने लाने वाला हूँ, जैसे कि हमारा पार्ट वन है, अभी इसके 4-5 पार्ट और लाऊंगा। अगर आप नए सब्सक्राइबर हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे चल के आप इस तरह की वीडियो मिलते रहें। और कभी भी अगर आप यहाँ जाने की सोच रहे हो ना तो ये वीडियो देख लेना, अगर तभी वहाँ पे जाने की कोशिश भी करना, वरना बिल्कुल मत करना। मैं सारा कुछ डिटेल दे रहा हूँ यहाँ पे, क्या दिक्कत आ सकती है, क्या क्या वहाँ पे हो सकता है, सब कुछ आपको वैसे वीडियो देख के पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप जैसे ही इंटर करते हैं ना, यहाँ पे ऐसा व्यू आपको देखने को मिल जाता है, काफ़ी लोग आपको यहाँ पे बैठे हुए नजर आ जाएंगे यहाँ पे, और काफ़ी लोग ऐसे यहाँ पे टहला करते हैं वहाँ पे, बस बस यही पूरा दिन वहाँ पे चलता रहता है, यही सिस्टम चलता रहता है। और लेकिन यहाँ पे काफ़ी डेंजरस एरिया है आपका ये, मतलब कभी भी अगर कोई बंदा अगर ये मान चलना अकेला पड़ जाता है ना वहाँ पे, तो उसके साथ कई कई ऐसी घटनाएं हो जाती है ना, क्या बताऊँ मैं वहाँ पे। अगर आप मेन तो बात ये है ना, आप यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाओगे। जैसे कि आप वहाँ पे निकलने की कोशिश करते हो ना, जैसे वहाँ जैसे हमारा नई दिल्ली हो गया, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जैसे ही आप थोड़ा आगे निकलेंगे, ये एरिया वैसे वहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका। वहाँ पे जैसे निकलो ना, इतने सारे लोग वहाँ मिलेंगे आपको, बात करेंगे, हम आपको ले चल रहे हैं, हम आपको ले चल रहे हैं, ऐसे ऐसी बातें करेंगे ना। अगर आप उनकी बातों पे आ गए हैं, अब मैं कुछ वीडियो ऐसे डाल रखा हूँ, अगर आप पहली बार देख रहे हैं वो भी वीडियो वहाँ पे देख लेना, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई होंगी, मैंने वहाँ पर सारा कुछ डिटेल से बता रखा है, ये कैसे बात करते हैं, कैसे आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, और ये आपसे यही बोलते हैं कि हम आपको ले चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपके साथ, और ये ऐसी बात करेंगे ना जैसे कि आप घुल मिल जाएंगे आपसे। अगर आप इनकी बातों में बिल्कुल अगर ज़रा से भी फंस गए ना, तो आपके साथ क्या होगा, कुछ भी नहीं बचने वाला, ना आपका मोबाइल बचेगा, ना पर्स बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। मेरा वीडियो बनाने का मतलब बस यही रहता है कि क्या कोई मान लो ऐसी जगहों पे ना फंसे, और कभी कोई जाना भी चाहे ऐसी जगह ना जाए, क्यों कई लोग क्या होते हैं इनका ये सब नाम सुन के वहाँ पहुँच जाते हैं, जिस कारण से क्या होता है उनके साथ ऐसी ऐसी घटनाएँ हो जाती है जो नहीं होनी चाहिए। तो मैं अभी साफ साफ बोल रहा हूँ, अगर आप कभी भी यहाँ पर जाने की सोच भी रहे हो तो मत जाइएगा, यहाँ पर बहुत रिस्क, हाई रिस्क एरिया होता है, और कभी भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है। लूटपाट तो बहुत नॉर्मल घटनाएं होती है यार यहाँ की, आपके साथ ये तो वो नॉर्मल सी बातें हैं कि लूटपाट हो जाए। अगर आप यहाँ पे चले गए ना, आप ये मान चलना कुछ नहीं बचने वाला, बस आपको जैसा दिख रहा है ना ऐसा कुछ नहीं होता, केवल सब ये बाहर से दिख रहा है। और लोग वहाँ पर जाते हैं ऐसे सामने देख ही रहे हैं, कैसे लोग बैठे रहते हैं यहाँ पर, बस सारा ऐसे बैठे रहते हैं वहाँ पर, जिसका जो काम होता है काम करता है, अपन निकल आता है, ठीक है। और जैसे आप वहाँ लोग जो दिल्ली वाले होंगे उन्हें तो पता ही होगा क्या कैसे होता है वहाँ पे, सारा कुछ डिटेल तो आपको पता ही होगा, कुछ बताने की जरूरत तो है नहीं आप लोगों को वहाँ पे, और कुछ खास है नहीं वैसे यहाँ पे। अगर पूरा वीडियो देख लेना सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मेन दिक्कत ये आती ना यार कि जैसे आप यहाँ से निकल, जैसे दिल्ली से निकलते हो, ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं यहाँ चले जाना, वहाँ चले जाना, अब जैसे आप वहाँ से चलते हुए पहुँचोगे, और पहले बात तो यहाँ पे ये लोग बाहर निकलते ही इतने लोग आपको दिख जाएंगे ना, ऐसे ऐसी बात, जैसे एक से बात करना स्टार्ट भी करेंगे ना तो दूसरा आ जाएगा, दूसरा पूछेगा ये कहाँ है, वो कहाँ है, तीसरा आ जाएगा, ऐसे ऐसी बातें करेंगे, आपको अपनी बातों पर ले लेंगे, ठीक है, बोलेंगे हम भी नए हैं, हम भी यहाँ से आए, वहाँ से आए। अगर आप इनकी बातों में आ गए और उनके साथ चले गए वहाँ से, तो ये बात के चलना यार कुछ भी नहीं बचेगा, 1 साल कपड़े तक नहीं छोड़ते तुम्हारे, वो सारे लेके चले जाएंगे, ऐसे निकलोगे वहाँ से, ठीक है। तो वही बात बोल रहा हूँ, अगर कभी भी कोई बंदा सोच रहा हो यहाँ पे जाने के लिए, मत जाना, कभी मत जाना। और ख़ास तौर पर अकेले तो दिखाई भी ना पड़ जाना वहाँ पे, अगर अकेले दिख गए और उनके नज़रों में आ गए तो आपकी मान लो हाँ ये बंदा अकेला है और नया बंदा है यहाँ पे, तो भाई आपकी खैर नहीं वहाँ पे। तो वही साफ सीधी बात है, अभी पूरा वीडियो जैसे देखे, वैसे पार्ट वन है, अभी मैं इसके 3-4 पार्ट और लाने वाला हूँ। अगर आप अगर नए सब्सक्राइबर हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे चल के जो भी वीडियो आती है वो आपको वीडियो मिलती रहे यहाँ पे। और फिर भी दोस्तों अगर आप दिल्ली वाले हो या कभी मान लो कोई बंदा वहाँ पे गया हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना क्या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है कि नहीं होती, ताकि जो मान लो नए व्यूवर हैं जो पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं उन्हें सारा कुछ डिटेल से पता हो जाए और किसी के साथ कोई रिस्क ना हो सके वहाँ पर। बस मेरा मकसद यही रहता है, अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देख रखी, मैंने वैसे दिल्ली की कई सारी वीडियो डाल रखी वहाँ पर, आप वो भी देख लीजिएगा, वहाँ पर सारा कुछ डिटेल से पता दिया है कि कैसे ये लोग फंसाते हैं, क्या क्या हो सकता है, सारा सब समझ वहाँ पर आ जाएगा। और दोस्तों कमेंट जो करना अगर जो बंदा वहाँ पे गया हो और उसके कुछ भी प्रॉब्लम हुई हो, ताकि जो नए व्यूअर हैं उन्हें पता हो सके वहाँ पे, और जो वहाँ कोई बंदा गया हो या जा सके तो जिससे उसे वो दिक्कत ना हो वहाँ पे, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना क्या दिक्कत वहाँ पे हो सकती है वहाँ पे।
बस यही रहता है यार, यहाँ पे आप जैसे एंट्री करेंगे सामने आपको ऐसे ही यहाँ पे देख रहे मिल जाएंगे। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे ना, वीडियो को लाइक करना, चैनल नया हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे चल के वीडियो मिलते रहें। ओके, जय हिंद।